पे कहीं ना मौजिक कहीं आम जिस सबके तरीके बीच का मौजिक आम कार्यक्रम सबके आज बीच काफी सॉरी मायने काफी अहम, क्योंकि मौजिक आम मुख्यमंत्री सबके आज बीच प्रदेश विगत के 2000 सरकार करोड़ की रुपए एक की एक लागत से एक बनने एक वाले दो जो बार निर्माण कहते कार्य हैं हैं वो कि पूरे हो गए और मौजिक कुछ आम का सबके शिलान्यास बीच करेंगे, तो मौजिक ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्रीय बड़ी मंत्री चीजें सुरेश कुमार हैं शर्मा वो जी मिलने का वाली, स्वागत और इसी कड़ी करते में हैं गुरुग्राम में भी 12 और परियोजनाओं का इस आज आयोजन लाभ के लिए गुरुग्राम आयोजन वासियों को मिला, और कार्यक्रम ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा कार्यक्रम वासी के अब रूप तमाम में जो सभी परियोजना है शामिल उनका लाभ कार्यक्रम उठा के लिए सकेंगे, क्योंकि केंद्रीय जिस मंत्री तरीके से सुरेश कुमार जी का स्वागत लगातार लोगों की मांग चली आ रही थी और जो कार्य थे कार्यक्रम वो अब के संपन्न हो स्वागत गए, और ऐसे में कार्यक्रम कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बात करें और गुरुग्राम में, सभी इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह जी जीएमडी का की भी जो बैठक है स्वागत उसमें कार्यक्रम के अध्यक्षता स्वागत करते नजर आएंगे, तो कार्यक्रम ऐसे में कहीं ना कहीं वर्चुअल माध्यम से आज कुल 167 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे, इसमें से 113 जो परियोजना है उनका उद्घाटन करेंगे, और साथ ही साथ 54 शिलान्यास भी आज मुख्यमंत्री गुरुग्राम से वर्चुअल जुड़कर प्रदेश के सभी जिलों में वो करेंगे, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम बात करें तमाम जिलों में केंद्रीय मंत्री सांसद वह जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो अपने अपने जिले में जाकर लोगों के बीच रहें, और ऐसे में कहीं ना कहीं आपसे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर संबोधन करेंगे, तमाम लोगों को संबोधित करेंगे इसी मंच से, और हम बात करें इसी में करीबन 168 करोड़ रुपए की जो परियोजना है वो गुरुग्राम को मिलने जा रही है, जिसमें कि 11 परियोजना है गुरुग्राम के हिस्से में आई है, और गुरुग्राम के धनवापुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर अब तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद है, और ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो संबोधन है वो सुनेंगे, तो ऐसे में आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, ऐसे में काफी खास आज का दिन माना जा रहा है, क्योंकि करीबन दो संजय, जिस हजार हिसाब से करोड़ ठंड की लागत है से बन काफी के संख्या में तमाम लोग पहुंचे हैं उसके बावजूद भी सुनने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उत्साह दिखा रही है तस्वीरें। समावेशी विकास का पर्याय हो कहर जम्मू बरप रहा है, कश्मीर और की कहीं ना रक्षा कहीं मंत्रालय के जो मंत्री लोग मनोहर उसके लाल बीच में पिछले कहीं ना कुछ कहीं दिनों में मुख्यमंत्री का जो विकास की संबोधन है वो बदौलत सुनने के लिए आज यहाँ विश्व पहुंचे, और कड़ी शांति ठंड के बीच कानून तमाम जो व्यवस्था लोग की हैं आज रक्षा मुख्यमंत्री को सुनने के लिए मंत्रालय पहुंचे, और जम्मू ऐसे में कश्मीर लोगों की को काफी रक्षा उम्मीद है कि मंत्रालय आज पिछले मुख्यमंत्री आज विश्व गुरुग्राम में, शांति तो ऐसे में कहीं ना कहीं कानून 11 व्यवस्था की परियोजनाओं का रक्षा लाभ जरूर गुरुग्राम को जनता को मिल रहा है, उसके साथ साथ तमाम और बड़ी इनको उम्मीदें हैं कि मुख्यमंत्री आज इस मंच से गुरुग्राम के लिए कुछ बड़ी जो घोषणा है वो भी कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से डिजिटल माध्यम से तमाम जो मंत्री विधायक और जो सांसदगण है वो लिए जुड़ेंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को मुख्यमंत्री इसी वर्चुअल माध्यम से लोगों के साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ प्रत्येक 22 के 22 जिले में मंत्री सांसद और केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे, तो उनको भी यहीं से मुख्यमंत्री संबोधन अपना देंगे, और कुछ मुख्यमंत्री संबोधित करते नजर आएगा। और आज जी संजय वापस आएंगे आपके पास हम, और ये तस्वीरें भी जो है अभी आपको दिखाते हैं हम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जैसा कि संजय जानकारी दे रहे थे वहां पर है, मौजूद हैं, और प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, एक क्लिप वहां पर दिखाई जा रही है ताकि पूरे प्रोग्राम की शुरुआत की जा सके और पूरा विजन समझाया जा सके लोगों को जो वहां पर मौजूद हैं बैठे हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है, सीएम वहां पर मौजूद हैं, और एक क्लिपिंग अभी दिखाई जा रही है लोगों को। बखूबी किया है, विकास बढ़ने का ये कारवां लगातार जारी है। विकास योजनाओं के निरंतर प्रवाह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य में वर्ष 2019 से 2022 यानी कि केवल 4 वर्षों में ही सामूहिक उद्घाटन और शुभारंभ कार्यक्रमों के माध्यम से ही प्रदेश में लगभग 10,470 करोड़ रुपए की लागत की करीब 950 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है।
विकास की इसी राह पर आगे बढ़ते हुए नव वर्ष की बेला में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की गरिमामयी उपस्थिति में आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, बिजली, परिवहन, खेलों व ढांचागत सुविधाओं से जुड़ी 1,882 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सुखद कनेक्टिविटी के साथ हरियाणा की आंतरिक सड़कों, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज व सार्वजनिक उपयोग के भवनों के निर्माण में बेमिसाल काम हरियाणा सरकार कर रही है। 508 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सड़क एवं भवन परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ में करीब 296 करोड़ की लागत से बनने वाले नागल चौधरी नारनौल महेंद्रगढ़ दादरी रोड की नींव रखी जा रही है। रोहतक में 76 करोड़ से ज्यादा राशि से बना फ्लाईओवर जनता को समर्पित है। पानीपत में भी हो रहा है 40 करोड़ से ज्यादा लागत की सड़कों के सुदृढ़ीकरण का उद्घाटन एवं शिलान्यास। जींद, अंबाला, यमुनानगर, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी, नूह में भी अनेक सड़क एवं भवन निर्माण की करोड़ों की योजनाओं के साथ विकास को मिल रही है नई गति। बट रही हैं खुशियां, खिलखिला रहे हैं लोग, हर किसान को उसके हिस्से का पानी मिले, प्रदेश का किसान समृद्ध हो, इसी सोच के साथ पूरे प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। इसी दिशा में आज करीब 412 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास हो रहा है। इनमें 227 करोड़ रुपए से अधिक लागत की अनेक सिंचाई परियोजनाओं में मुख्य रूप से झज्जर में एसटीपी चैनल की क्षमता को बढ़ाने के साथ इस पर 20 बांधों के पुनः निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी जा रही है। इसके अलावा झज्जर लिंक ड्रेन को आरसीसी से कवर करने व रतनथल लिंक ड्रेन के निर्माण सहित अनेक गांवों की सिंचाई व्यवस्था को सुचारू करने में मील पत्थर साबित होने वाली सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। नूह में लगभग 30 करोड़ की लागत से अनेक नहरों को चौड़ा करने, पुल निर्माण करने जैसी सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं नींव रखी जा रही है। वहीं यमुनानगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हथनीकुंड बैराज के नजदीक स्थित पार्क का 13 करोड़ से अधिक राशि खर्च कर नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया गया है। हरियाणा उन अग्रणी राज्यों में है जहां हर घर जल पहुंचाने का कार्य किया गया है। पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आज 335 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं प्रदेश की जनता को समर्पित की जा रही हैं। प्रिथला, पलवल एवं हथीन विधानसभा क्षेत्रों के 84 गांवों के लिए रैनी वेल आधारित परियोजना एवं महेंद्रगढ़ के सतनाली खंड के 25 गांवों में नहरी जल पर आधारित पेयजल आपूर्ति के लिए जल संशोधन संयंत्र का आज उद्घाटन हो रहा है। रेवाड़ी के दीपालपुर व पानीपत के मुडलाना में जन स्वास्थ्य की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकाय तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अंतर्गत लगभग 426 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास हो रहा है। गुड़गांव में करीब 47 करोड़ से तैयार अतुल कटारिया चौक पर फ्लाईओवर व अंडरपास का लोकार्पण व चंदू में 70 करोड़ से अधिक लागत से बनने वाले जल शोधन संयंत्र का शिलान्यास किया जा रहा है। इसके अलावा झज्जर, करनाल, फरीदाबाद व गुरुग्राम में कम्युनिटी हॉल, लाइब्रेरी भवन, ओल्ड एज होम, सड़क निर्माण व पार्क सौंदर्यीकरण के अनेक कार्यों का भी उद्घाटन व शिलान्यास हो रहा है। साथ ही 56 करोड़ से दड़खल लेक के नवीनीकरण का शिलान्यास भी हो रहा है। हमेशा से ही शिक्षा के लिए बेहतर वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज 72 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बने इसराना, दादूपुर व जुंडला में गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंगों का लोकार्पण हो रहा है। इसके अलावा रोहतक के अजायब गाँव में गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग व कैथल के जाखौली के गर्ल्स स्कूल में ऑडिटोरियम का शुभारम्भ किया जा रहा है।
भिवानी, रेवाड़ी, हिसार व यमुना नगर में भी स्कूलों के नए भवनों, लाइब्रेरी व मल्टीपर्पज हॉल की आधारशिला रखी जा रही है। इस अवसर पर 38 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनी खरखौदा व बावल के उपमंडल अधिकारी कार्यालय व सैनिक रेस्ट हाउस ओसली का उद्घाटन भी हो रहा है। इसमें यमुना नगर में ईवीएम वेयर हाउस व अन्य भवन भी शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की ओर कदम बढ़ाते हुए आज पीजीआई रोहतक में 67 बेड के बाल चिकित्सा इंटेंसिव केयर यूनिट का उद्घाटन हो रहा है। इसके अलावा सिरसा के बड़ा गुढ़ा सिरसा, फिरोजपुर झिरखा में सीएचसी, करनाल के पढ़ाना व यमुनानगर के रंजीतपुर में पीएचसी का उद्घाटन भी हो रहा है। बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब का भी उद्घाटन हो रहा है। ये 35 करोड़ रुपए से अधिक की स्वास्थ्य परियोजनाएं हैं। बेहतर खेल सुविधाएं प्रदान करने में अग्रणी है हरियाणा। चरखी दादरी के बलाली में 17 करोड़ से ज्यादा राशि से बने वातानुकूलित रेसलिंग हॉल के शुभारंभ के साथ अंबाला के गांव बड़ा गढ़ में 8 करोड़ की अधिक राशि से बने मॉडर्न स्पोर्ट्स स्टेडियम, इसके अलावा लगभग 16 करोड़ की लागत से बने 42 पशु अस्पतालों व 6 मिट्टी प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन हो रहा है। कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास का ये पहिया निरंतर चलता रहेगा, तभी तो मिसाल है हरियाणा, बेमिसाल है हरियाणा। तालियां बजाइए आप सभी को। पूरे परियोजनाओं की बड़ी 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 जो परियोजनाएं हो उनकी जानकारी शॉर्ट फिल्म के माध्यम से दी गई है। और अब बारी है कि जो प्रदेश में बड़ी 12 परियोजनाएं हैं उनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि सर आप वर्चुअल माध्यम से इन परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करें। सबसे पहले इसमें राय मलिकपुर राजस्थान सीमा नांगल चौधरी नारनौल महेंद्रगढ़ दादरी चार मार्गीय सड़क के निर्माण का शिलान्यास, ये राय मलिकपुर राजस्थान सीमा नांगल चौधरी नारनौल महेंद्रगढ़ चार मार्गीय सड़क के निर्माण का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। और इसके बाद जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग हरियाणा की एक परियोजना पृथला पलवल एवं अधीन विधानसभा क्षेत्रों के 84 गांवों के लिए रेनी वेल आधारित पेयजल वृद्धि परियोजना का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों। सर और सतनारी खंड के 25 गांवों में नहरी जल पर आधारित पेयजल आपूर्ति के लिए नए जल संशोधन संयंत्र का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होने जा रहा है। सतनाली खंड के 25 गांवों में नहरी पानी पर आधारित पेयजल आपूर्ति के लिए नए जल संशोधन संयंत्र का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। और इसके बाद दिल्ली हिसार रोड शीला चौक पर ऊपरगामी पुल, रोहतक खरखोदा दिल्ली बॉर्डर रोड पर जेएलएन फीडर पर बीएसबी नहर पर स्टील के पुल के कार्य का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। इसके पश्चात है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय हैबिटेट सेंटर सेक्टर 1 पंचकुला का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो गया है। और इसके पश्चात स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बड़खल झील के जीर्णोद्धार से संबंधित निर्माण कार्यों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। इसके पश्चात है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा, इसकी परियोजना है झज्जर लिंक ड्रेन को बुर्जी संख्या 5150 से 16500 तक पक्का करने, आरसीसी बॉक्स ड्रेन बनाने और सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जा रहा है। इसके पश्चात है राजकीय महाविद्यालय इसराना पानीपत के भवन का शिलान्यास, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। आप सभी के सामने कृपया करतल ध्वनि से इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके बाद है स्मार्ट सिटी फरीदाबाद सेक्टर 25 जलघर बल्लभगढ़ फरीदाबाद में 15 MLD STP के निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। और जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से महाग्राम योजना के अंतर्गत गांव मतलोडा में पेयजल बढ़ोतरी सीवर लाइन बिछाने एवं मलजल संशोधन संयंत्र के कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। लोक निर्माण विभाग की अगली परियोजना ये करनाल काछवा सम्बली कोल सड़क पर समानांतर सतलुज यमुना लिंक नहर व नरवाना ब्रांच नहर के ऊपर पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। और अब मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि भिवानी हासी मार्ग को तोसाम बाईपास से जोड़ने वाले रेलवे ऊपरगामी पुल का उद्घाटन अपने कर कमलों से करें। ये बड़ी परियोजनाएं थी जिनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है। और अब जो जिला स्तर पर जो बाकी परियोजनाएं हैं उन पर वहां पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार के मंत्रीगण वो वहां पर करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि जो गुरुग्राम में यहां परियोजनाएं हैं उनका सर आप व्यक्तिगत रूप से वहां पर जाकर उद्घाटन व शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। जिलों से निवेदन है कि वहां अपनी परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करवा लें, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन होगा। ये 10 मिनट का समय है, इसमें जिला स्तर पर जितनी भी इसमें गुरुग्राम में सबसे पहली जो परियोजना है ये STP चैनल माइक्रो इरिगेशन स्कीम की है। इसका साथ साथ कर रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं जो स्थानीय विधायक है राकेश दौलताबाद जो कि बादशाहपुर से विधायक हैं और गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला और इसके अलावा और भी जितने भी अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो जिले के पदाधिकारी हैं वो भी इस दौरान CM मनोहर लाल के साथ वहां पर देखे जा सकते हैं और अलग अलग जिलों की जो विकास परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण CM मनोहर लाल ने अभी यहां पर किया है। संजय राठौर हमारे संवाददाता है। संजय बताइए अभी क्या चल रहा है प्रोग्राम में। मैं आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री गुरुग्राम पहुंचे और यहाँ पर प्रदेश भर की करीबन 167 जो परियोजना है उनका शुभारंभ और उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं आज का ये गुरुग्राम जो है मुख्यमंत्री का काफी
मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें इस कार्यक्रम में गुरुग्राम को भी 11 सौगातें मिली है जिसकी लागत करीबन 168 करोड़ रुपए की है। और आज इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के 22 के 22 जिले में तमाम मंत्री, सांसद और केंद्रीय मंत्री मौजूद है। साथ ही साथ अपने अपने जिले में तमाम जो परियोजना है उनका वो लोकार्पण करेंगे और साथ ही साथ उनका शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तमाम बड़ी बड़ी जो सौगात है करीबन 2000 करोड़ रुपए की लागत से ये जो तमाम परियोजना है इनका शुभारंभ कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आपसे कुछ ही देर में जो है जनता को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ 22 के 22 जिलों में वर्चुअल जुड़कर यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर तमाम परियोजनाओं का जो लाभ है अब प्रदेश के तमाम जिले के जो लोग हैं वो उठा सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं हम बात करें सीला बाईपास रोहतक की बात करें जो एक काफी समय से मांग चली आ रही थी फ्लाईओवर का, उसका कहीं ना कहीं आज शुभारंभ जनता को समर्पित मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और दूसरी तरफ हम बात करें और चाहे फिरोजपुर जिरका और मेवात की बात करूं या प्रदेश के तमाम अलग अलग जिले में तमाम बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री ने हरियाणा वासियों को समर्पित किया। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज भरी सर्दी के बीच में भी आज मुख्यमंत्री का संबोधन सुनने के लिए तमाम जो लोग हैं वो भरी सर्दी के अंदर भी यहाँ पहुंचे। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री का जो संबोधन है वो मुख्यमंत्री हरियाणा के जनता को कहीं ना कहीं अब संबोधित कर रहे हैं। प्रमुख लोगों की बात करें संजय तो और कौन कौन है यहाँ पर, चाहे वो स्थानीय विधायक हो या स्थानीय संगठन के लोग हो या फिर अधिकारी क्यों ना हो। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, हम बात करें इस कार्यक्रम में गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला, बादशाहपुर से विधायक राकेश धोलताबाद और उनके साथ संजय सिंह जो सोना से विधायक है, तमाम चारों जो विधायक है इस कार्यक्रम में मौजूद है। और साथ ही साथ हम बात करें गुरुग्राम जिला उपायुक्त, डिविजनल कमिश्नर और तमाम अधिकारीगण यहाँ मौजूद है। गुरुग्राम के जिला उपायुक्त तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं, ठीक है संजय वापस आऊंगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन लेते हैं सीधे। आज धनवापुर गुरुग्राम जिले से मुख्य कार्यक्रम के रूप में प्रदेश भर के 167 के कार्यक्रम के अवसर पर हरियाणा के सभी विभिन्न जिलों में उपस्थित यहां से जुड़े हुए हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण व विभिन्न विभागों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और सब 22 स्थानों पर आज उपस्थित हमारे जितने सज्जनवृंद, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन हरियाणा के विकास की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण दिन इस नाते से कहा जा सकता है, क्योंकि निरंतर जो विकास की के पथ पर हम लोग चल रहे हैं और हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शिलान्यास होती हैं, उद्घाटन होते हैं और विशेष तौर पर कोविड के समय में जब हमने अनुभव किया कि सब स्थानों पर जाकर कई बार शिलान्यास उद्घाटन करना संभव नहीं हो पाता है तो ऑनलाइन उद्घाटन के सिस्टम को हमने शुरू किया। और मुझे खुशी आज बताते हुए कि उस कड़ी में आज ये छठा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम 2019 में हुआ था जिसमें 209 प्रोजेक्ट जो 4022 करोड़ की लागत के थे वो सब शिलान्यास उद्घाटन हुए थे। उसी क्रम में दूसरा जो कार्यक्रम 27/10/20 को हुआ, तीसरा 21 मार्च 21 को हुआ, चौथा कार्यक्रम 10 जून 21 को हुआ, पांचवा कार्यक्रम इसी वर्ष 4 सितंबर 22 को हुआ और आज हम 6 जनवरी 2023 को ये छठा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स परियोजनाएं
जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती बल्कि पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं और खास करके गुरुग्राम जैसा नगर जहां से आज का संबोधन हो रहा है, हम सब बैठे हैं यहां, जो इस प्रकार के विकास की बातें प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में तो जाती जाती है, पूरी दुनिया में भी जाती है, क्योंकि यह शहर एक प्रकार से आइकन सिटी ऑफ हरियाणा बना है। दुनिया भर की जो 500 बड़ी कंपनीज हैं उनमें से लगभग 300 कंपनीज उनकी उपस्थिति गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम एक प्रकार की हमारी हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी ये कहलाती है। हम लोगों ने पिछले लगातार, क्योंकि चौथा वर्ष तो ये वित्त मंत्री के नाते मुझे भी काम करने का जो एक मौका मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि हमने जो वित्त का संयोजन किया है उसमें बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम कैपिटल एक्सपेंसेस अर्थात विकास के कामों में कितना ज्यादा ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे कुल बजट का 34.5% अब हम विकास के कामों में लगाने लग गए हैं और ये अपने आप में एक हमारी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। बाकी प्रदेशों में इतना पैसा नहीं लगता है। हमने विकास के कामों में एक गति जो अपनी बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें ही विकास करने से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, औद्योगिकरण होता है, बाहर के लोग निवेश करने के लिए यहां आते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से होता है। 2015 में जब प्रधानमंत्री जी स्वयं फरीदाबाद में आकर के बदरपुर मुजस्सर की जो रेलवे मेट्रो का उन्होंने उद्घाटन किया था, उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमको प्रगति करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा जोर देना पड़ेगा और रेल हो, रोड हो या सामान्य नागरिक की अन्य सुविधाओं के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको जितना हम आगे बढ़ाएंगे, उतना जितना निर्माण करेंगे, विकास के फल उतने ही नीचे तक पहुंचेंगे। तो इसलिए इस काम के लिए हमने जो आज ये दिन किया है, मैं सभी विभागों के जो हमारे काम करने वाले चाहे अधिकारी हैं, चाहे वह काम करने वाले हमारे ठेकेदार हैं, चाहे योजना बनाने वाले प्लानिंग करने वाले लोग हैं और इसमें अन्य संस्थाएं भी जो सहयोग करती हैं, मैं आज उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई बहनों, इसको करने के लिए हमने एक विशेष इस बार जो प्रयोजन किया था, अलग अलग विभागों का अलग अलग बजट होता है, कभी कभी कुछ विभाग तो काम पूरा करके और भी डिमांड करते हैं और कई विभाग ऐसे होते हैं जिनका पैसा बचा रह जाता है और 31 मार्च को लैप्स हो जाता है। हमने 2 साल पहले एक योजना बनाई कि जो ऐसा पैसा किसी विभाग का बचता है उसको अलग से एक उसका फंड क्रिएट किया और उस फंड का नाम है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड, अंग्रेजी में इसका नाम रखा हुआ, तो वो सारा फंड उसमें इकट्ठा कर देते हैं और साल के आखिरी महीनों में जिन विभागों में कमी पड़ती है उसको वहां उसको यानी डाइवर्ट करते हैं, उनको दे देते हैं ताकि काम किसी का रुके नहीं और ये काम अगले वर्ष भी अगर उसमें से फंड बचता है तो उसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए इन फंड्स का जो नियोजन है ये बजट के नाते से बहुत जो बढ़िया ढंग से किया जाता है, उसके लिए हमारे जो बजट के निर्माता हैं, बजट के बनाने वाले अधिकारी हैं, उनका भी मैं उनकी सराहना करता हूं। भाई बहनों, विकास के नाते हर गांव का विकास हो, शहर का विकास हो, छोटे बड़े सब काम, सबको सीधी उनकी पहुंच हो अपनी बात रखने के लिए, तो नए नए प्रयोग जो हमने किए हैं उसे एक प्रयोग किया है, 2 पोर्टल बनाए हैं, गांव के लिए ग्राम दर्शन और शहरों के लिए नगर दर्शन। उस पोर्टल में कोई भी नागरिक अपने उस इलाके के काम के बारे में अपनी डिमांड को रख सकता है और उस डिमांड के आधार पर वहां से जिस विभाग को काम करना होता है वो उस तक अपने आप ऑनलाइन पहुंच जाता है।
वहां से उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलती है, फाइनेंशियल अप्रूवल मिलती है, उसके एस्टिमेट बनते हैं और निश्चित समय में उस गांव के अंदर वो काम होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, जब उसके अंदर दर्ज किया जाता है, रजिस्ट्रेशन की जाती है काम की, तो जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पहले तो पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे लेकिन अब पंचायतों के चुनाव भी हो गए हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे पंचायत समिति का पार्षद है, जिला पार्षद है, या फिर हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, ये सब उसको रिकमेंड करने के लिए अपने अपने इलाके में रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड करते ही काम की शुरुआत हो जाती है होने की। तो जिस काम के लिए हम महीनों हम चक्कर काटते थे, किसी भी नेता के पीछे घूमते थे, किसी अधिकारी के दफ्तर में पहुंच करके खड़े रहते थे, या जहां जब कभी नहीं काम होता था तो उसकी आलोचना हमारे विपक्षी लोग भी करते थे, लेकिन विकास के कामों में एक सरल रास्ता बना दिया कि जिस जिस विभाग में वो काम पहुंचेंगे वहां पर बजट के अंतर्गत काम कराए जाएंगे। अगर किसी विभाग में बजट कम पड़ता है तो साल में 3 अवसर हमारे पास आते हैं उस विभाग का बजट बढ़ाने के लिए भी, तो उस समय उसका बजट पूरा किया जाता है। और ये काम दोहरे स्तर पर बल्कि 3 स्तर पर अलग अलग सरकारें करती हैं। केंद्र सरकार के काम केंद्र सरकार करती है, प्रदेश सरकार के काम प्रदेश सरकारें करती हैं, लेकिन अब जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं, छोटी सरकारें जिनको हम कहते हैं, चाहे वो गांव की सरकार है चाहे वो शहर की सरकार है, वो सरकारें भी अपने हिसाब से पूरा उनको हम बजट देते हैं, उनको पूरी छूट दे रखी है कि अपने हिसाब से जो उनके पास बजट है उसका काम जैसे चाहे वैसे करा सकते हैं। हाँ, केवल उसके ऊपर एक ध्यान रखना पड़ता है कि काम की क्वालिटी अच्छी हुई है, टाइम से काम हो गया और उस काम में कहीं कोई लीकेज नहीं हुई, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर इनमें से कोई कमी पाई जाती है तो फिर हम लोग उसमें हस्तक्षेप भी करते हैं। और इसके लिए अब इंजीनियरिंग के जितने काम हैं ऑनलाइन पोर्टल बना दिए गए हैं, कोई भी काम होगा उसको चढ़ा देंगे, ठेकेदार उसमें आके भरेंगे, छोटे छोटे ठेकेदार भी उसके अंदर आकर के अपना काम भरते हैं। अब सिफारिश उनको नहीं करनी पड़ती कि मुझको ये काम दिला दो, 2 लाख से ऊपर के काम सब अप्रूवल करने का काम भी सरपंच का है, करने का काम भी वहां एसडीओ जेई वो सब कराएंगे, लेकिन उस पर पारदर्शिता हो ताकि कोई गड़बड़ ना हो कर सके उसमें, तो उस पारदर्शिता कारण से सबको पता रहता है ये काम कितने का है, कितने में कौन कर रहा है। अभी तक जो शिकायतें मिलती थी कि साहब काम तो ये 10 लाख का है, खर्च इस पर 20 लाख हो गया, काम तो ये 50 लाख का है, खर्च इस पर 75 लाख हो गया, अब जनता उसके ऊपर ध्यान रखेगी या जो जानकार लोग हैं वो उस पर ध्यान रखेंगे कि हमारा जितना पैसा होता है वो सारे का सारा लगना चाहिए। एक समय ऐसा था जब हमारे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अब तो स्वर्गीय हैं वो, कांग्रेस के जमाने की 1990-91 की बात बता रहा हूं आपको, वो कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे आते आते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक व्यवस्था में जो दोष ये उस समय ध्यान में आता था, बल्कि हम तो पूछते थे भी ऊपर भी सरकार आपकी है, नीचे भी सरकार आपकी है, बताइए तो सही है 85 पैसे ये जाते कहां हैं। अब उसको रोकने के लिए हमने ऐसे काम किए कि सब जितना 1 रुपया ऊपर से भेजेंगे तो 99 नहीं पूरा 1 रुपया नीचे तक जाएगा, बीच में रुक ही नहीं सकता क्योंकि ऑनलाइन सारी पेमेंट हो रही है, जितना पैसा जिसको दिया जाता है उसके खाते में जाता है। तो ये बीच में गड़बड़ करने वाली सिस्टम कम हुए, कमजोर हुए, खत्म हुए हैं, ये गड़बड़ अब होने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। तो इस प्रकार से ये सरकारें भी हमारे काम करती हैं। बहुत से काम जो इस समय पिछले समय में हमने किए, विचार यही किया कि पूरे प्रदेश में एक साथ काम होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो पहले अलग अलग सरकारें अलग अलग महत्व देती थी अपने अपने इलाकों को कि मेरा इलाका उसका काम हो जाए, हम कहते नहीं सारा काम हरियाणा का पूरे का एक साथ होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा भेदभाव हम भी कर जाते हैं कभी कभी, लेकिन क्या कर जाते हैं, हम भेदभाव करते हैं जो पिछड़ा इलाका रह गया जहां पहले काम नहीं हुआ वहां थोड़ा ज्यादा काम करा दो, जो कोई गरीब है जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है उसको ढूंढो, ढूंढ करके उसकी तकलीफ दूर करो, ये भेदभाव करते हैं। गरीब का अधिकार पहले है सरकार के काम पर, अमीर आदमी तो अपना काम अपने आप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है।
इसलिए इस भेदभाव के नाते से अगर हम करते हैं उसका मुझे फख्र है, उसका मुझे किसी प्रकार की संकोच नहीं होता है कि गरीब का काम जो है वो पहले होना चाहिए। मित्रों भाइयों बहनों, हम लोग पारदर्शिता के नाते से आईटी के आधार पर काम करते हैं। कितने हमने नए सुधार के काम किए हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं, उन व्यवस्थाओं को बदलने में लोगों को एक घर बैठे सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। खास करके जब से हमने ये परिवार पहचान पत्र बनाया है तब से कितनी योजनाएं इसके आधार पर की हैं। हाँ, इससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ किनको हुई है? उन्हीं को हुई है जिनके जो व्यक्तिगत हित थे उनके ऊपर चोट लगी है। जो कुछ भी बीच में अपनी जान पहचान के कारण से, अपनी अप्रोच के कारण से कोई भी गड़बड़ कभी भी कर लेते थे, वो गड़बड़ अब नहीं कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग जो कमीशनबाजी का काम करते थे, जो बीच में बिचौलिए बनकर लोगों के काम कराते थे कि तुम हमको पैसा दो मैं तुम्हारा काम करा के लाता हूं, वो सब बेरोजगार हो गए हैं। क्योंकि हर आदमी अब सीधे जाकर के अपना काम करा सकता है। हमने तरह तरह के पोर्टल बनाए हैं, बल्कि हमारे विपक्षी नेता तो कहते हैं ये पोर्टल की सरकार है। मैं कहता हूं हाँ, पोर्टल की सरकार है और पोर्टल के लाभ हैं। उन पोर्टल के लाभ इतने हैं, अगर गिनाने आपको शुरू करें तो गिने नहीं जा सकते हैं। पोर्टल के कारण से पारदर्शिता आई है, पोर्टल के कारण से खर्ची पर्ची बंद हो गई है, नौकरियां सबको घर बैठे मिलती हैं, पोर्टल के कारण से भ्रष्टाचार बंद हुआ है, पोर्टल के कारण से क्वालिटी ठीक हुई है, पोर्टल के कारण से टाइम पर काम होते हैं, पोर्टल के कारण से किसानों की फसल ये बिकती है और बिकने के बाद पैसा उनका खाते में सीधा चला जाता है। उस पोर्टल के कारण से कोई नुकसान किसी का होता है तो उसका जो कंपनसेशन मुआवजा मिलना होता है उसके घर में मिलता है। पोर्टल के कारण से घर बैठे राशन कार्ड मिलता है। पोर्टल के कारण से बुजुर्ग 60 साल का हो गया उसके घर में अपने आप उसकी पेंशन बनती है। हाँ, इस पोर्टल के कारण से जिनको नहीं मिलना चाहिए वो रोक भी लिया जाता है। अब इसकी तकलीफ है। अभी पिछले दिनों के अंदर 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। नए राशन कार्ड कभी भी इतनी बड़ी संख्या में देश में किसी प्रदेश में एक साथ 12 लाख नए राशन कार्ड नहीं बने। जिनके घर में अनाज नहीं पहुंचता था, गरीब आदमी था, उसके घर में पहुंचने लग गया। लेकिन कुछ लोगों के कट भी गए हैं। कटे किनके हैं? क्योंकि इन 13 सालों में, 2011 में पहली व्यवस्था बनी थी, आज 2022 11 सालों के अंदर बहुत लोगों की सरकारी नौकरियां लग गई, प्राइवेट नौकरियां लग गई। अगर प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी लग गई है उसको भी बीपीएल का कार्ड मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए क्या? अब वो सारे ले रहे थे, कभी किसी ने आके अपने आप कटवाया नहीं, अब राशन उनका कट गया। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे उसमें मिले हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और बीपीएल पर राशन कार्ड लेते हैं, क्या उनका मिलना चाहिए क्या? बिजली के बिल 10-10 हजार रुपया बिजली का बिल आता है, भरते हैं, अब उनको राशन कार्ड मिलना चाहिए क्या? गरीब को अगर राशन कार्ड का फायदा नहीं हुआ और ऐसे अमीर आदमी ले गए हैं तो वो उनका निवाला छीन रहे हैं। उन बच्चों की चिंता करो जो घर में भूखे सोते हैं, उन परिवारों की चिंता करो जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे नए जो अच्छे जो काम हुए हैं जिसके अंदर पात्र व्यक्ति है उसको लाभ मिले, अपात्र है उसको नहीं मिले, जिसकी जरूरत है उसको मिले, जिसकी जरूरत नहीं है उसको निवेदन भी करते हैं, भैया कोई बात नहीं, इसको रहने दो, छोड़ दो। आखिर जनहित की सरकार, लोकहित की सरकार यही होती है। तो सब इस नाते से हो रही है और हम लोगों ने इन 8 सालों में अपने इस प्रदेश में किस प्रकार के काम होने चाहिए उसकी एक दिशा और एक दशा ये तय की है। और उसमें खासकर जो हमारे विशेष कठिनाइयां भविष्य की हैं उनकी भी चिंता की है। एक बड़ी कठिनाई वो है यहां पानी की। हरियाणा पानी का डेफिसिट स्टेट है, पानी की कमी वाला प्रदेश है। सारे देश का हिसाब लगाए तो उतनी कमी शायद नहीं है, फिर भी इस पानी की अगर संभाल नहीं की तो हरियाणा का संकट तो अभी है
बाकी प्रदेशों में भी आने वाले 15-20 साल में संकट खड़ा हो सकता है। आज पूरे देश में आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो पूरे देश के अंदर 1100 बीसीएम, बीसीएम माने बिलियन क्यूबिक मीटर, इतना पानी उपलब्ध है और आज हमारी खपत है 800 बीसीएम। 1100 बीसीएम पानी हमारे पास है, 800 की खपत है, अर्थात आने वाले 20 साल तक हम उस पानी का ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारी चिंता नहीं है। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा में एमएफ मिलियन एकड़ फीट जिसको कहते हैं, आज हमारे पास 32 एमएफ पानी, इसकी डिमांड है, हमारी जरूरत है 32 एमएफ की, और हमारे पास है कितना, 16 एमएफ। इतना पानी कम है हमारा, अगर कम पानी है इस कारण से हमारा बहुत सा इलाका सिंचाई में उसको पानी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पीने की आवश्यकता तो सबकी पूरी करनी पड़ेगी, करते हैं हम, लेकिन सिंचाई के लिए जितना पानी हमको चाहिए, आज हमारी सिर्फ 40% जमीन जो हमारे सिंचाई से, यानी कैनाल की जो इरिगेशन है, नहरी सिंचाई से हम उसका उपयोग करते हैं, 30% ऐसा है जो ट्यूबवेल से हम जो है उसकी सिंचाई करते हैं, बाकी 30% इलाका ऐसा है जिसमें हम पानी पहुंचा नहीं पाते हैं, पूरा वर्षा के ऊपर निर्भर है, आगे बरसात तो खेती हो जाएगी, नहीं आई तो खेती नहीं होगी। हम चाहेंगे कि हम खेती के इस प्रकार के सिस्टम बनाएं, इरिगेशन सिंचाई के सिस्टम बनाएं, माइक्रो इरिगेशन, ताकि उस 30% इलाका जो बाकी बचा हुआ है वहां भी आखिर तक पानी पहुंचा सके। पानी तो जितना उपलब्ध है हमें उतना ही है। अभी कल ही हमारी एसओएल को लेकर के परसों मीटिंग हुई, पंजाब के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल मना किया कि हम तो एसओएल बनने नहीं देंगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे रखा है कि एसओएल तो बनेगी। अब बनेगी तो कैसे बनेगी, कब बनेगी, कौन बनाएगा, केवल इतना ही विषय बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपस में मिल बैठ करके कोई समझौता करके बना के रास्ता बनाए कोई। अब अंतोगत्वा हमको अगले 17 जनवरी को जो तारीख सुप्रीम कोर्ट की है उसमें बताना पड़ेगा कि पंजाब के लोग तैयार नहीं है, फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, जो होगा वो होगा। लेकिन आज हमारे पास जो पानी उपलब्ध है उस पानी को ठीक से व्यवस्थित ढंग से उसका प्रबंध करें, खास करके जो खराब पानी हो जाता है, क्योंकि वेस्ट वाटर जितना निकलता है पानी का उपयोग करने के बाद, चाहे हमारे सीवरेज का पानी है, चाहे नालियों का पानी है, तालाबों का पानी है, इस पानी को कैसे हम इसको शुद्ध करें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये कैसे लगा करके उसका पानी का दोबारा उपयोग करें, इसके कई प्रोजेक्ट इरिगेशन के आज इस विषय को लेकर के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पानी को सुधारने के लिए, खास करके ये जो धनवापुर में आज प्रोजेक्ट जिसका 137 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके माध्यम से साफ हुआ पानी इसको उपयोग करने के लिए खेतों में सिंचाई में कैसे लेकर के जाए, इसका जो है एक हमने आज जो उद्घाटन शिलान्यास किया है। ये प्रोजेक्ट हमारे 207 प्रोजेक्ट हरियाणा में हो चुके हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि 207 प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हमको पानी मिलता है, जब ये तैयार हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, 4 लाख एकड़ अर्थात कुल भूमि का 5% इस पानी से हम सिंचाई करेंगे, जो मैं 30% कम बता रहा हूं, 5% पानी इनमें से लेकर के सिंचाई करेंगे। तो हम भरपूर इस पर प्रयत्न कर रहे हैं कि हम पानी की व्यवस्था किस प्रकार से बढ़िया बनाएं, ताकि हम आगामी अगली पीढ़ी को एक सुरक्षित ढंग से आगे पहुंचा सके, क्योंकि पानी भी हमारी एक विरासत है। पिछले दिनों में आह्वान किया था किसानों को कि धान की बुआई कम कर दें, मैं आभारी हूं उन किसानों का जिन्होंने धान की फसल कम बोई है, 1 लाख एकड़ धान हमारे यहां कम बोया गया, जिसके कारण से जो बचत पानी की हुई उस पानी का उपयोग ज्यादा इलाके में हम सब्जियों के लिए, फलों के लिए, या जो ऐसी फसलें हैं जहां पानी कम लगता है उसका आगे बढ़ा सके हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका देश में भी हमारा नाम हुआ है, हमको लाभ हुआ है। अभी पानी के ऊपर कल ही एक कॉन्फ्रेंस थी, प्रधानमंत्री स्वयं उसमें थे, हमारे देवेंद्र सिंह जी बैठे हैं, इरिगेशन के हमारे एडवाइजर हैं, ये बता रहे थे कल ये गए थे कि वहां भी चर्चा हुई कि हरियाणा में चाहे उन्होंने पौंड अथॉरिटी बनाई है, तालाबों को ठीक करने का काम शुरू किया है, वाटर अथॉरिटी बनाई है, चाहे जमीन के अंदर जो पानी है उसको हम कम से कम दोहन करें, पानी का लेवल कैसे ऊंचा उठे, माइक्रो इरिगेशन के विषय है,
जब सब विषयों पर चर्चा होती है तो हरियाणा का जो प्रबंधन है पानी का, इसकी नकल ऐसे जो राज्य हैं जहां पानी का संकट कल को होने वाला है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मित्रों भाइयों बहनों, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो आज इतना ही कहूंगा कि जैसे एक विकास की ये जो हमने गति बनाई है, इस गति को हम बनाए रखेंगे और बना करके निश्चित रूप से इस प्रदेश को नंबर एक यानी विकास के नाते हर दृष्टि से हम देश का पहला दर्जे का जो प्रदेश है इसको हम बनाए। एक बात सावधानी के तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि विपक्षी लोग जब वो इस प्रकार की आलोचना करते हैं तो कुछ लोग उनके बहकावे में आते हैं, कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, कहीं ये, कहीं वो। मैं मानता हूं कि हमें वो निराश इस नाते से नहीं कर सकते कि हम अपनी गति को रोकेंगे। हमारी गति जिस प्रकार से बढ़ रही है, चाहे फॉरम पोर्टल की सरकार हो और चाहे हमारे दुनिया भर के ये बात करते हैं कि हाँ कर्जा ज्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको सब लोग समझते हैं। हमारा कर्जा नहीं, हमारी प्रदेश की संपदा बढ़ रही है, हमारे प्रदेश की ताकत बढ़ रही है, हमारे प्रदेश की संपत्ति बढ़ रही है। और जब ये सब चीजें आम जनता को जब समझ आने लगी हैं तो आम जनता भी उसकी प्रशंसा करने लगी है। ये सरकार है, ईमानदार सरकार है, सेवा के काम करती है, घर बैठे सारी चीजें पहुंचाती है, तो ये जनता उसका एक प्रकार से उसकी प्रशंसा करती है। और एक समय ऐसा आएगा कि जनता के प्रशंसा करने के बाद जो इनके अपने लोग जो प्रशंसा करेंगे तो इनको भी मजबूरन एक दिन आएगा जब हरियाणा सरकार की प्रशंसा इनको करनी पड़ेगी कि हाँ ये लोग जो है ठीक काम कर रहे हैं। अगर ये प्रशंसा नहीं करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि इनके अपने लोग टूट करके वो स्वाभाविक हमारे साथ आकर के जुड़ेंगे। इनको अगर अपनी जनता बचा के रखनी अपने साथ तो जनता की बात माननी पड़ेगी। और जनता का जो एक भाव है इसमें मन में कि ये सरकार हर प्रकार से हमारे सुख के लिए, हमारे अच्छे कामों के लिए, हमारी सुविधाओं को लाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य की चिंता भी हमने की है। गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का जो प्रधानमंत्री जी ने एक इतना बड़ा प्रकल्प शुरू किया आयुष्मान भारत का, हमारे 14 लाख परिवार और ऐसे रह गए जिनको उसकी जरूरत थी, उसका हरियाणा स्टेट ने किया चिरायु हरियाणा बना करके कि हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा ये उसका होना चाहिए, वो हमने किया है। हमारा 500 करोड़ रुपए उसमें खर्च फालतू हुआ है, लेकिन आज कोई गरीब परिवार जिसके घर में मानो उसके इलाज के लिए एक परिवार का सदस्य उसका कोई इलाज कराना है, पैसा नहीं है, तो किसी भी सरकारी अस्पताल अथवा प्राइवेट 650 अस्पताल प्राइवेट भी हैं जिनकी एम्पैनलमेंट हुई है, उन 650 अस्पताल में कहीं जाके इलाज कराए उसका 5 लाख रुपए तक का पैसा ये सरकार देगी। तो भाई बहनों, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप सबका सहयोग अगर निरंतर जैसे मिल रहा है ऐसे मिलता रहेगा तो किसी मामले में हरियाणा पीछे नहीं रहेगा, हरियाणा हर चीज में आगे होगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, 5 S पर काम करने वाली सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। आधी रात को भी आप पुकारेंगे तो हम आपके साथ आएंगे। भ्रष्टाचार पर काबू करना है तो कुछ निडर लोग, कुछ इस प्रकार के स्वाभिमानी लोग वो आगे आए। हमने अपने विजिलेंस के लोगों को मजबूत किया है कि कहीं भी कोई गलती करते हुए पकड़ा जाए तो उसको बख्शना नहीं है। कल ही मैं अखबार में पढ़ा था कि हर महीने लगभग 18 से 20 अफसर कर्मचारी ये पकड़े जा रहे हैं और उनको रास्ता दिखा रहे हैं मगर का। साल भर में 200 लोगों को हमने बाहर किया है और अब नई भर्तियां ये भी हमारी खुल रही हैं। इस अगले साल में, इस एक साल के अंदर 35,000 के लगभग ग्रुप सी की भर्तियां और 15,000 के लगभग ग्रुप डी की भर्तियां, 50,000 भर्तियां अगले 6 महीने के अंदर आपको देने वाले हैं। 50,000 भर्तियां केंद्र सरकार की, लाखों की भर्तियां कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने हाथ से बटन दबा करके लाखों की संख्या में केंद्र सरकार की भर्तियां एक साथ देने वाले हैं। उसमें हमारे हरियाणा की बारी भी आने वाली है। तो भाइयों बहनों, विश्वास रखिए, अगर आपका विश्वास है तो कोई समस्या नहीं आएगी। विश्वास मत टूटने दीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आना। इतनी बात कहते हुए आपको पुनः आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर, बहुत ही सही विषय हूँ। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर हमने लगाम लगाई है, प्रदेश के भ्रष्टाचार को हमने कम किया है, और वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। 113 योजनाओं का उद्घाटन और 54 शिलान्यास इसमें शामिल हैं जो सीएम ने किए, और 2000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वर्चुअल माध्यम से दी। गुरुग्राम से इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा है कि हम विकास के पथ पर चल रहे हैं, विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। तो बड़ी अपडेट बता रहे हैं हम आपको। उन्होंने कहा कि हम कुल बजट का 34% पैसा जो है वो विकास में लगा रहे हैं, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये कार्यक्रम चल रहा था गुरुग्राम से, जिसमें गुरुग्राम जिले को भी 11 परियोजनाओं की सौगात जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा दी गई है। और आपको बता दें 168 करोड़ की 11 परियोजनाएं गुरुग्राम को मिली हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।